सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे लेट्स बिगिन बाय मेकिंग अ स्लिप नॉट नाउ वी हैव टू चेन सेवन हमें सेवन चेन्स बनानी है नाउ स्किप द फर्स्ट चेन एंड गो टू द सेकेंड चेन फ्रॉम द हुक एंड मेक अ सिंगल क्रोशिया स्टिच जो फर्स्ट चेन है उसको स्किप करेंगे और सेकेंड चेन में एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे सो गो इन अ लूप वील योर नीडल यान ओवर पुल थ्रू देन वन सिंगल क्रोशिया स्टिच इन द नेक्स्ट चेन और हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे सो वी हैव टू डू वन सिंगल क्रोशिया स्टिचेस आई मीन वन सिंगल क्रोशिया स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेन्स एंड नाउ द लास्ट वन नाओ चेन वन टर्न यो वर्क एंड डू वन सिंगल क्रोश स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टिचेस हमेशा टर्न करने से पहले चेन वन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप टर्निंग चेन नहीं बनाओगे तो आपका जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वो स्ट्रेट नहीं होगा तो जब हम सिंगल क्रोश स्टिच करते हैं तो उसके लिए चेन वन करते हैं टर्निंग के लिए और अगर हम डबल क्रोश स्टिच करते हैं तो चेन थ्री करते हैं तो हाफ डबल क्रोशिया स्टिच करते हैं तो उसमें चेन टू करते हैं तो उसी तरीके से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया स्टिच कर रहे हैं तो जब भी हम ये कंप्लीट करेंगे हम चेन वन करेंगे और फिर अपना वर्क टर्न कर लेंगे सो चेन वन टर्न योर वर्क एंड लाइक वी डिड आर रो टू वी डू आर रो थ्री सेम रो थ्री भी रो टू की तरह करनी है हमने वन सिंगल क्रोशिया स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग सिक्स स्टिचेस हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच करना है And this is our row 3. Then chain 1, turn your work, and you have to repeat this same row for 10 times. Now we have 3 rows, we should have a total number of 10 rows. ऑफ़ दी सिंगल क्रोशिया स्टिचेस तो इसी तरीके से आपने तब तक करना है जब तक आपके पास टेन रोज नहीं हो जाती अब हमने तीन करी है ना इसी तरीके से सेवन और करके हम इसे टेन रोज को कंप्लीट करेंगे आई हेव कंप्लीटेड टेन रोज ऑफ सिंगल क्रोशिया स्टिचेस मैंने टेन रोज कंप्लीट कर लिए हैं नाउ लेट्स बिगिन नाउ वी हैव टू मेक द हेड पोर्शन सो वील क्रोशे मोर चेन्स दिस साइड तो हम अब और चेन्स बनाएंगे दो हेड वाला पोर्शन होगा टॉप पोर्शन सो वील क्रोशे थर्टीन चेन्स हमें थर्टीन चेन्स बनानी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन नाउ वी हैव टू क्रोशे बैक सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन दीज चेन्स एंड देन वी हैव टू वर्क बैक ऑन टू दी स्टिचेस सो स्किप दर्स्ट चेन फ्रॉम द हो ऑन टू द सेकेंड चेन एंड मेक अ सिंगल क्रोशेड स्टिच जो फर्स्ट चेन है उसको हम स्किप करेंगे और सेकेंड चेन में जाएंगे और सिंगल क्रोशेड स्टिच बनाएंगे और हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशेड स्टिच बनाते जाएंगे सो वील मेक वन सिंगल क्रोशेड स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग चेन्स सो दिस इज द टॉप पोर्शन देन वी हैव टू मेक द बॉटम पोर्शन एज वेल इन द सेम वे तो हमें बॉटम पोर्शन भी इसी तरीके से बनाना है एक्स्ट्रा चेन्स करके जैसे हम ये टॉप पोर्शन बना रहे हैं इसी तरीके से करना है हमने सो वी हैव टू डू वन सिंगल क्रोश स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग चेन्स नाउ वी हैव टू वर्क वन सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ दीज स्टिचेस इन स्टिचेस में भी हम सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच हर एक स्टिच में करेंगे हम यहाँ पे या दिस इज द टॉप पोर्शन एंड नाउ वी हैव टू मेक द बॉटम पोर्शन अब हमें बॉटम पोर्शन बनाना है सो नाउ वी हैव टू चेन सेवनटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन तो हमने सेवनटीन चेन्स बना लिए हैं अब इसी तरीके से जैसे हमने पहले जो टॉप पोर्शन किया था उसी तरीके से हम करेंगे सो वील स्किप द फर्स्ट चेन हियर गोइंग टू द सेकेंड चेन फ्रॉम द हुक एंड मेक अ सिंगल क्रोशिया स्टिच सेकेंड चेन में हम सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे और हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे सो विल कीप डूइंग One single crochet stitch in each of these following chains. Now after doing single crochet stitches in each of these chains, now we have to work back in these stitches. अब हम जब हमने चेन्स में सिंगल crochet स्टिच कर लिया है अब हम वापस इस पोर्शन पे आ गए हैं तो हमें एक एक सिंगल crochet स्टिच इस एक एक स्टिच में करनी है सो we हैव टू वर्क वन सिंगल crochet स्टिच इन ईच ऑफ these फॉलोइंग स्टिचेस सो so, ऐसे ही एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच करते जाना है एंड वन सिंगल क्रोशिया स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस हियर इस इस साइड पे भी हम सिंगल क्रोशिया स्टिचेस करते जाएंगे हर एक स्टिच में this is how it looks till so now we have to crochet seven more rows which will be one single crochet in each of these stitches from start from here and then end here then again chain one turn your work then start from here end here and then chain one turn your work we need to do seven more uh, single crochet stitches row तो इसी तरीके से हमें सेवन और रोज करनी है तो चेन वन देन टर्न योर वर्क एंड वन सिंगल क्रोशिया स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टिचेस हमेशा चेन वन करने के बाद ही अपना वर्क टर्न uh, करना है आपको और हर एक स्टिच में वन सिंगल क्रोशिया स्टिच करना है एंड मेक श्योर दैट योर डूइंग द सिंगल क्रोशिया स्टिच इन द लूप्स लाइक both the loops see you, not in the back loop or neither in the front in the both see both loops i'm putting the needle under both the loops and doing single crochet stitch dono loops ke andar dal ke main needle fir single crochet stitch kar rahi hu to aapne bhi dono loops mein dalna hai अगर आप back loop में करेंगे तो एक अलग सा texture आएगा but मुझे इसी तरीके का texture चाहिए जो plain है बिल्कुल डिजिट वाला नहीं चाहिए तो मैं दोनों लूप्स के अंदर जाके ही कर रही हूँ सो जस्ट कीप डूइंग वन सिंगल क्रोशिया स्टिच इन ईच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टिचेस अंटिल यू कंप्लीट सेवन मोर रोज इफ यू हैव इफ यू हैव डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग द नंबर ऑफ रोज यू कैन जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट इट डाउन एज फार एज हाउ मेनी रोज यू हैव कंप्लीट यू कैन जस्ट पुट पुटा नंबर देर सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू रिमेम्बर आप एक पेनो पेपर से लिख भी सकते हैं आपने कितनी रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं और टिक कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने कितनी रोज़ कंप्लीट करनी है और कितनी बाकी है इसी तरीके से बस हम करते जाएंगे सिंगल क्रोशिया स्टिच इलास्ट वाली स्टिच पर आ गई हूँ मैं नाव अगेन आई एल चेन वन टर्न माई वर्क फिर सेम चेन वन करके मैं वर्क टन करूँ एंड देन अगेन आई एल डू सिंगल क्रोशर स्टिचेस सो आई एल कंप्लीट आई हैव कंप्लीटेड वन रो नाओ ना आई ऑन माई सेकेंड रो नाओ आई एल कंप्लीट टिल सेवन रोज आई विल कंप्लीट सिक्स मोर रोज एंड देन आई शो यू वॉट टू डू नेक्स्ट तो आप भी सिक्स और सिक्स रोज कम्प्लीट कीजिएगा ताकि हमारे पास टोटल सेवन हो जाए फिर मैं बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है देखिए मैंने सेवन रोज कर लिए हैं कंप्लीट आई हैव कम्पलीटेड सेवन रोज ऑफ सिंगल क्रोशे स्टिचेज एज यू कैन सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाओ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट नाउ वेन यू क्रोशे द बॉटम साइड विच इज द बिगस्ट साइड नाओ Uh, the needle should be at the top now this is the top side the small side is the top side and the longer one is the bottom ye, longer one the bottom side here or you just come स्टिचेस uh, हैं जहाँ ये टॉप साइड है तो आपकी नीडल अभी टॉप साइड पे ही होनी चाहिए अगर आपकी नीडल बॉटम साइड पे है तो आप अभी एक रो और करेंगे एक सिंगल क्रोश स्टिच का यहाँ तक और फिर आप ये वाली रो करेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम काउंट करते हैं कुछ मिस्टेक हो जाती है या कुछ सिंगल क्रोश स्टिच में वैसे भी रोज काउंट करने थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं तो कभी कभार बिगिनर्स के लिए होता है ये इशू कि वो रोज़ का नंबर उन्होंने गलत काउंट किया होता है तो अगर आप यहाँ पे हैं और अब जो मैं रो करवाने वाली हूँ अगर आप वो करेंगे तो ये uh, गड़बड़ हो जाएगा लाइक like, अब जो लेग्स बना रहे हैं हम वो टॉप पे बन जाएगी तो आधा हेड और आधा लेग ऐसे बन जाएगा तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर नीडल इज एट द टॉप एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम टू मेक द सेकेंड लेग सो इफ यू योर नीडल इज एट द बॉटम make sure you just you do you do one single crochet stitches uh row and then you start from here so i hope you've understood that now this needle should be at the topmost part so now we'll start doing the single crochet stitches so chain one we'll chain one and we'll turn our work and we'll do 22 single crochet stitches so we have to work only 22 single crochet stitches and not throughout नॉट टिल देंड हमें एंड तक नहीं करना हमें सिर्फ ट्वेंटी टू सिंगल क्रूश स्टिचेस करने हैं सो मेक शो यूर काउंटिंग इट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन

इन चेन्स में सिंगल क्रोशिया स्टिच करना है एंड यहाँ से हम फिर सिंगल क्रोशिया स्टिचेस इन स्टिचेस पे करना शुरू कर देंगे सो वील स्टार्ट डूइंग वन सिंगल क्रोशिया स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग चेन्स सो स्किप वन चेन एंड गो टू द सेकेंड चेन फ्रॉम द हुक जो सेकेंड चेन है हुक से उसमें जाएंगे एक सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे फिर उसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे एंड इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच करते जाएंगे सो जस्ट कीप डूइंग वन सिंगल क्रोशिया स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग चेन्स Make sure that you have started from the second chain from the hook. So you'll have 12 single crochet stitches here on these chains, and then we can start doing our single crochet stitches on the stitches of the previous row. So this is we'll the second leg. Also. so one single crochet stitch in each of these chains. And now, one single crochet stitch in each of these following stitches till you reach here. So, I have finished with this row. Now we have to chain one, turn our work, and do seven more rows of single crochet stitches like we did here from here till the end. So, this will be our end. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड हियर वन रो देन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सो वील डू सेवन रोज ऑफ सिंगल क्रोश स्टिचेस तो हमें अब सेवन और रोज करनी है सिंगल क्रोश स्टिचेस की और टर्न करने से पहले चेन वन करना है विच विल बी आर टर्निंग चेन सो डोंट फॉरगेट टू चेन वन एट दी एंड एंड देन टर्न योर वर्क सो जस्ट कीप डूइंग सेवन मोर रोज ऑफ सिंगल क्रोशेड स्टिचेस

टॉप पार्ट पे है अगर आपकी नीडल बॉटम पार्ट पे है तो एक और रो आपको सिंगल क्रोशे की करनी होगी ताकि आपकी नीडल टॉप पार्ट पे हो सो एव कंप्लीटेड माय सेवन रोज ऑफ सिंगल क्रोशेज स्टिचेस मेक श्योर दैट योर नीडल एज एट द टॉप इफ इट इज एट द बॉटम देन यू मस्ट क्रोशे वन मोर रो ऑफ सिंगल क्रोशेज स्टिचेस सो दैट योर नीडल एज एट द टॉप ओके दिस इज द बॉटम पार्ट एज यू कैन सी एंड दिस इज द टॉप सो लेट्स बिगिन नाउ यू चेन वन चेन वन करेंगे अपना वर्क टर्न करेंगे एंड नाउ वी हैव टू डू ओनली एटीन सिंगल क्रोशिया स्टिचेस सो हमें एटीन सिंगल क्रोशिया स्टिचेस करने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवेंटीन एटीन नाउ चेन वन अब हम चेन वन करेंगे अपना वर्क टर्न करेंगे और ये देखिए ये जो ये साइड है ये आर्म्स है ये बाजू है दिस आर द आर्म सो वी हैव टू मेक अनदर आर्म ऑन दिस साइड सो वी हैव टू जस्ट क्रोशे सिक्स सिंगल क्रोशे स्टिचेस हियर अब हमें सिर्फ सिक्स सिंगल क्रोशे स्टिचेस करने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिर अपना चेन वन करेंगे चेन वन टर्न योर वर्क एंड वर्क ओनली दीज सिक्स स्टिचेस ये सिक्स स्टिचेस में हमने सिंगल क्रोशिया स्टिच करना है एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच एक एक स्टिच में थ्री फोर फाइव सिक्स

सिक्स सिंगल क्रोशेड स्टिचेस को ट्वेंटी वन रोज तक हमें बढ़ाना है सो वील जस्ट कीप डूइंग वन सिंगल क्रोश इन ईच ऑफ दी सिक्स स्टिचेज अंटिल एनलेस वी हैव ट्वेंटी वन रोज फोर फाइव सिक्स चेन वन टर्न योर वर्क अपना वर्क टर्न कीजिए चेन वन करने के बाद फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशेड स्टिचेस करते रहेंगे इसी सिक्स स्टिचेज में और तब तक करेंगे जब हमारे पास ट्वेंटी वन रोज़ ना हो तब तक हमने ऐसे ही करते जाना है देखिए मैंने ट्वेंटी वन रोज़ कंप्लीट कर ली है आप कंप्लीट ट्वेंटी वन रोज एंड यू कैन सी द नीडल एट द टॉप पोर्शन ओके इफ इट इज़ इन इन योर बॉटम पोर्शन यू हैव टू क्रोशे वन मोर रो ऑफ सिंगल क्रोशे ए स्टिच सो दैट योर नीडल एट द टॉप पोर्शन नाउ सी दिस इज द बॉटम एंड दिस इज द टॉप इट्स एट द टॉप पोर्सन नाउ वी हैव टू डू द सेम एज वी डिड योर द सेम थिंग वी हैव टू मेक दिस साइड ये सेम चीज जो हमने यहाँ बनाई है ये सेम चीज़ हमें यहाँ बनानी है तो एक चीज का अपने ध्यान रखना है कि आप जब 21 वन रोज अपनी स्टिचेस का कंप्लीट कर लें तो ये नीडल टॉप पोर्शन में होने चाहिए जैसे ये देखिए ये टॉप पोर्शन है ये बॉटम पोर्शन है टॉप पोर्शन में अगर ये बॉटम पोर्शन में आपकी नीडल तो एक और रो आप सिंगल क्रोशे स्टिचेस का कर लीजिए तो आपकी नीडल टॉप पोर्शन पे आ जाएगी अब जैसे हमने यहाँ पे किया था थर्टीन चेन्स बनाई थी हमने उसी तरीके से हम यहाँ भी थर्टीन चेन्स बनाएंगे सो सिमिलरली लाइक वी डिड हियर, वील मेक थर्टीन चेन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन Now skip one and go into the second one. Second one, me jaake we'll make a single crochet stitch. One, two, three, four, five, eleven, twelve. Now work. इन दी स्टिच सिक्स स्टिचेस अब इन सिक्स स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे थ्री फोर फाइव सिक्स एंड नाउ लाइक वी डिड हियर, जब हम जो हमने यहां पे किया था सेम चीज वी हैव टू रिपीट हियर, सो वील मेक सेवेंटीन चेन्स नाउ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन स्किप फर्स्ट द फर्स्ट चेन एंड गोए टू द सेकेंड चेन एंड मेक अ सिंगल क्रोशिया स्टिच सेकेंड चेन में जाके सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और इन सभी चेन्स में एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे देन डू वन सिंगल क्रूश स्टिच इन ईच ऑफ दी स्टिचेस फिर इन स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रूश स्टिच करेंगे कैंड यू हैव टू डू ऑल द वे अंटिल द एंड तो ये जो हमने यहाँ पे जो चेन्स बना के उसमें सिंगल क्रोश स्टिच किए थी उसमें भी हम एक एक सिंगल क्रोश स्टिच करते जाएंगे सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था उसका सेम वैसा ही इसमें रिपीट होगा जब आप इस, इसको एक बार बनाना शुरू करेंगे तो बहुत ईजीली बन जाएगा ऐसे के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट बहुत ईजी है जस्ट कीप डूइंग वन सिंगल क्रोशिया स्टिच इन ईच ऑफ दी स्टिचेस नाउ लाइक वी डिड अर्लियर चेन वन टर्न योर वर्क जैसे हमने पहले किया था हम चेन वन करके अपना वर्क टर्न करेंगे एंड वील डू अंटिल वी हैव अ टोटल ऑफ सेवन रोज जब हमारे पास सेवन रोज हो जाएंगी जैसे हमारे यहाँ पे हुई हैं सो वील कीप डूइंग सिंगल क्रोश स्टिचेस फ्रॉम हि टिल दी एंड अंटिल वी हैव अ टोटल नंबर ऑफ सेवन रोज सेवन रोज होने के बाद मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है आई हेव कंप्लीटेड सेवन रोज मैंने सेवन रोज कम्प्लीट कर ली है एंड अगेन यू कैन सी द नीडल शुड बी ऑन द टॉप पोर्शन नाउ लाइक वी डिड अर्लियर फॉर द अदर लेग विल डू द सेम हेयर हम उसी सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था दूसरी लेग के लिए सो वील चेन वन टर्न आवर्क एंड वर्क ट्वेंटी टू सिंगल क्रोशिया स्टिचेस चेन वन करके हम अपना वर्क टर्न करेंगे और ट्वेंटी टू सिंगल क्रोशिया स्टिचेस करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था दूसरी लेग बनाने के लिए उसी तरीके से सेम प्रोसीजर है सेम पैटर्न है तो हम ट्वेंटी टू स्टिचेस करेंगे पहले सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन नाउ चेन थर्टीन अब हम थर्टीन चेन्स बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन नाउ गोइंग टू द सेकेंड चेन फ्रॉम द हुक जो सेकेंड चेन है हुक से उसमें जाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया स्टिच करेंगे हर एक चेन में सो जस्ट कीप डूइंग वन सिंगल क्रोशिया स्टिच इन ईच ऑफ दिज फॉलोइंग चेन्स लाइक वी डिड अर्लियर देन वर्क इन दीज सिंगल क्रोश स्टिचेस जो ये स्टिचेज हैं यहाँ पे हम इसमें वर्क करेंगे अब ये जो हमने ट्वेंटी टू सिंगल क्रोश स्टिचेज की थी अभी जस्ट वर्क इन दी स्टिचेस चेन वन कीजिए चेन वन अपना वर्क टर्न कीजिए टर्न योर वर्क एंड नाउ अगेन वी हैव टू डू द सेम वे वी शुड हैव सेवन रोज सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड हियर देन चेन वन टर्न आ वर्क स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड हियर देन चेन वन टर्न आ वर्क इसी तरीके से हमने सेवन रोज करनी है टोटल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चेन वन करेंगे टर्न करेंगे अपना वर्क फिर से सिंगल क्रोशिया स्टिचेस करेंगे यहाँ तक आएंगे फिर चेन वन अपना वर्क डाउन करेंगे फिर सिंगल क्रोशे स्टिचेज यहाँ तक इस तरीके से हम पास हमारे पास सेवन रोज होनी चाहिए जैसे हमारे पास यहाँ पे सेवन रोज है और इस तरफ भी इस तरह तो मैं आपको मिलती हूँ सेवन रोज कंप्लीट करने के बाद सो आई मीट यू एन आई कंप्लीट द सेवन रोज एंड देन टेल यू वॉट टू डू नेक्स्ट कंप्लीटेड डूइंग सेवन रोज ऑफ सिंगल क्रोश स्टिचेस ना चेन वन अब सेवन रोज सिंगल क्रोश स्टिचेस के करने के बाद चेन वन कीजिए अपना वर्क टर्न कीजिए टर्न योर वर्क एंड मेक एटीन सिंगल क्रोश स्टिचेस यहाँ पे हम एटीन सिंगल क्रोश स्टिचेस बनाएंगे वन टू थ्री फोर 15 16 17 एंड एटीन नाउ चेन वन टर्न योर वर्क चेन वन करके अपना वर्क टर्न कीजिए और ये जो हमने जो ये आर्म्स के लिए सिक्स सिक्स स्टिचेस किए थे उसी तरीके से यहाँ पे हम सिक्स सिंगल क्रोश स्टिचेस करेंगे वी हैव टू वर्क ओनली सिक्स इन द सिक्स स्टिचेस हियर. सो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स चेन वन टर्न यो वर्क एंड वर्क ओनली इन दी सिक्स स्टिचेस चेन वन करके अपना वर्क टर्न कीजिए और सिर्फ इन्हीं सिक्स स्टिचेज में सिंगल क्रोश स्टिचेस कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिर से चीन वन टर्न योर वर्क एंड वी मस्ट हैव टेन रोज ऑफ दीज सिक्स सिंगल क्रोशिया स्टिचेस लाइक वी हैड एट द बिगनिंग जैसे हमने बिगनिंग में टेन रोज की थी उस हिसाब से हमने यहाँ पे टेन रोज करनी है सो एल कम्प्लीट द टेन रोज एंड देन आल शो यू वॉट टू डू नेक्स्ट सो एस यू कैन सी आई हैव कम्प्लीटेड दीज टेन रोज एज वेल एंड दिस इज हाउ इट लुक्स द मेन बॉडी इज रेडी Now we just have to stitch it and add the filling inside and it will be ready. bas ye maine kar liya hai Now what we have to do is we have to just chain one and fasten off. So मैं chain one करके यहाँ fasten off कर रही हूँ, but मैं बहुत लंबी से yarn छोड़ने के बाद fasten off करूँगी क्योंकि मैं इसी की मदद से इसे stitch करूँगी. So, I'm leaving a very, very long tail and then I'll be fastening off so that I can use it to stitch the bear. So, now, first thing what we have to do is we have to fold it into half. We fold it in half. एक बार हम इसे हाफ में फोल्ड कर देंगे एंड बाय यूजिंग अ टेपेस्ट्री नीडल आई विल स्टार्ट सोइंग बोथ द पार्ट्स टुगेदर आई स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड आई विल जॉइन ऑल दिस टुगेदर दिस पार्ट इज ऑलरेडी जॉइंट सो टिल हियर

टेपस्ट्री नीडल की मदद से और फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा कॉटन भर दूंगी और फिर ये बाकी का पार्ट भी हम, इसके इसको हमने स्टिच कर देना है सो आई शो यू वंस आई डन विद पोर्शन एंड देन आई टेल यू हाउ टू डू द नेक्स्ट पार्ट। सो दिस बी सोइंग द पार्ट्स मैंने इसको यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट किया था आई स्टार्ट स्टिचिंग फ्रॉम हेयर आई स्टिच ऑल द वे हेयर हेयर टिल हियर। एंड नाउ दिस पोर्शन आई एम लीविंग इट ओपन सो दैट आई कैन फिल इन द फिलिंग इन एंड आई स्टिच फ्रॉम हेयर टू हेयर फर्स्ट तो मैं क्या करूँगी अब ये वाला पोर्शन मैं यहाँ तक स्टिच कर दूंगी और ये बीच का जो पार्ट है इसको मैं ओपन छोड़ दूंगी फिलिंग के लिए और इसको इनसाइड आउट फ्लिप करने के लिए आई हैव टू फ्लिप इट इनसाइड आउट सो दिस पोर्शन आई लीव इट ओपन एंड आई स्टिच फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन मीट यू बैक हियर सो लीविंग जस्ट दिस पोर्शन ओपन आई सोन एवरी थिंग मैंने बस ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ा है ये देखिए बस ये वाला पोर्शन ओपन बाकी मैंने सारा इसको सिल दिया है अब इसको मैं फ्लिप कर दूंगी अंदर वाले पार्ट को बाहर सो आई जस्ट फ्लिप इट इनसाइड आउट Like this, like this. So I flipped it inside out, and now. एल फिल दिस फिल यू हैव कॉटन यू कैन पुट कॉटन अगर आपके पास कॉटन है नहीं तो पुराने कपड़े हैं उसको छोटा छोटा कट कर करके भी आप इसमें डाल सकते हैं कॉटन डाल सकते हैं बची हुई ऊन जो होती है छोटे छोटे जैसे पीसिस हमारे बच जाते हैं वो डाल सकते हैं तो एल जस्ट फिलिन विद दिस मैंने इसे फ़िल कर दिया है आई फिल्ड इट एन नाव एल जस्ट कंप्लीट सोइंग इट फुल्ली एन एल फिल इट हेयर ऑल्सो एंड एल कंप्लीट सोइंग इट हेयर मैं इसको यहाँ पे भी फिल करके इसको सिल दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है सिलने के बाद अब यहाँ पे मैं एक दो नॉट्स बांध दूंगी ताकि सिक्योर हो जाए सो आई जस्ट मेक अ कपल ऑफ नॉट्स सो दैट इट्स सिक्योर्ड इन एंड डजेंट ओपन पुट इट इन

से निकालेंगे फिर से इसे दूसरी तरफ से निकालेंगे एक से सियान एक से को यहां से कट कर देंगे सो आर मेन बॉडी इज रेडी हमारी मेन बॉडी रेडी हो गई है अब इसे बैर की शेप में करना है हमने तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम uh, यही यान लेंगे एंड इसको इसके हेड के अराउंड रैप कर देंगे सो टू गिव इट अ शेप ऑफ अ बेर वी हैव टू जस्ट रैप इट अराउंड द नेक लाइक दिस tightly so that it gets see it's getting the shape of a bear. So just we have to wrap it tightly. And then we'll tie a couple of knots. एक we'll दो knots बनाएंगे हम यहाँ पे। उसको tight कर देंगे ताकि ये खुले नहीं दैन फॉर द ईयर्स वील पिंच द कॉर्नर्स अबेट कॉर्नर्स को थोड़ा हम पिंच करेंगे और टेपेस्ट्री नीडल की मदद से हम यहाँ पर थोड़ा स्टिचेस बना देंगे अंदर बाहर जाके थोड़ी सी स्टिचेस बना देंगे टाइटली ताकि वो ईयर्स की शेप आ जाए सो याफ्टर जस्ट गो इन कपल ऑफ टाइम्स सो दैट इट गेट्स द शेप ऑफ द ईयर Now similar way we have to do the other ear. So I'll go गोवन from दिस side itself take the needle out from the other end. एंड इसी तरफ से मैंने नीडल अंदर की तरफ से डाल के दूसरी साइड पर निकाल दिए फिर से मैं इसको पिंच करूंगी यहाँ पर ईयर के लिए और यहाँ पे भी इसी तरीके से जैसे मैंने अंदर स्टिचेस की हैं उसी तरीके से इधर अंदर स्टिचेस कर दूँगी ताकि दूसरा ईयर भी रेडी हो जाए टू जस्ट मेक अ कपल ऑफ स्टिचेस हियर सो दैट द ईयर गेट्स इट्स शेप नेक अ कपल ऑफ नॉट्स हियर। सो दैट इट्स सिक्योर इन एंड डजेंट ओपन अप यहाँ पे एक दो नॉट्स बना के मैं अंदर से इसी थ्रेड को निकाल लूँगी ताकि ये अंदर ही सिक्योर रहे देखिए अब अंदर की तरफ मैं डाल रही हूँ ये देखिए ताकि ये एक्स्ट्रा यान अंदर ही रहे और सिक्योर फिर से इसी तरीके से दूसरी डायरेक्शन में निकालेंगे एंड इसको कट कर देंगे इसी तरीके से मैं इसे भी अंदर ही वीव इन कर दूंगी सो नाउ द इयर्स आर ऑल्सो डन नाउ ओनली द आईज एंड माउथ इज लेफ्ट सो विल कंप्लीट इट नाउ विल द आईज अब आईज बनाएंगे हम मैं ब्लैक कलर की ऊन लेके उसी से बना रही हूँ आप चाहे तो सेफ्टी आइज़ भी लगा सकते हैं अगर ब्लैक मोती लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं आपकी मर्जी है इसमें सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्लैक यान बट यू कैन इवन यूज सेफ्टी आईज़ और इफ़ यू हैव ब्लैक पोल यू कैन इवन एट दैट बट आई एम गोइंग टू मेक इट विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैक यान आई एम गु पुट द नीडल थ्रू द बैक बिकॉज आई वॉन्ट इट टू हैव दैट प्रेस्ट इफेक्ट तो मैं इसको यहाँ से निकाल रही हूँ और इसको मैं एक बार खींच दूंगी थोड़ा सा ऐसे अब इसी तरफ से वापस जाए वापस मैं नीडल मैंने उसी तरफ से डाल दी है से एक आध बार अंदर डाल के ये दूसरी तरफ की आईज बनाएंगे नाउ विल मेक द अदर आई द सेम वे लाइक वी डिड हियर आफ्टर मेकिंग द सेकेंड आई आई एम पुट द नीडल एंड ब्रिंग इट आउट in the place where we made the first eye and then go in the place of the second eye through the first one and pull it now i'm just going in

एंड इसको अंदर कर देंगे हम फिर से इसको अंदर की पोजीशन से बाहर निकालेंगे उसी पोजीशन से मैं वापस जा रही हूँ यहाँ पे बिकॉज <laughs> मैं उसका फेस बनाना भूल गई तो आप जब आईज बना लें तो डायरेक्ट फेस बना लीजिएगा सो आई फॉरगॉट दैट आई हैव टू मेक द माउथ फ्रॉम द सेम यान सेम कलर यान सर आई एम कमिंग बैक हियर ओके एंड नाउ आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर डाउन And making it like a smile. and then you can take a ribbon and tie it here in the center up center me ribbon me very lagega. and your cute little bear is ready i hope you liked it do subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon Thank you so much for watching. Be safe, keep crushing, be happy. Bye-bye. Bye-bye.